मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रोसरी का शुरू करना चाहता हूँ। बिजनेस को जमाने के लिए चार चीजें जरूरी हैं, स्वभाव, अनुभव, नेकी और नसीब, और ये सब तुम्हारी नस नस में भरी हुई है। 10वीं का रिजल्ट आया, उसमें फेल हो गया हूँ। अरे तो क्या हुआ, तुम मेहनती हो। देखो पसीना यहाँ भी बहाना है और वहाँ भी बहाना है। मैं अक्टूबर 1986 में पोरबंदर से किंसासा पहुंचा। ये सब जो तुम्हें दुकानें दिख रही है ना, ज्यादातर तो हमारे सौराष्ट्र के लोगों की है। कैसा रहा आज का दिन? पराए मुल्क, पराई भाषा। वो तो तुम 3 महीने दुकान में खड़े रहोगे ना तो आ जाएगी। यहाँ के लोगों को लगता है कि हम इनका आर्थिक शोषण करके बड़े बने। यहाँ के लोगों का बस चले तो ये रातों रात हमको यहाँ से भगा दे। किंसासा की हालत नाजुक हो गई। आप लोगों की जान को खतरा है, आप अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। सुना है वो यहाँ भी आ सकते हैं, निकलो यहाँ से। सारे शहर की दुकानें लूट ली गई थी। अमित, 5 साल की हमारी मेहनत एक ही रात में जलकर खाक हो गई। तुम सब परदेश जाते हो, मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, अचानक वो अफ्रीकन आते हैं, सब कुछ लूट के चले जाते हैं। तो अपना धंधा दूसरे देशों में भी फैलाओ ना। मेरी लाइफ में जो भी कोई नेगेटिव घटना घटती है ना, उसका रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आई थिंक ही डजंट हैव एग्जीक्यूटिव मेंटालिटी। आज से हम अलग हो जाएंगे। बस इतना ही काफी है, फिर तो क्या है कमी। दिल अक्सर ये कहता है, आज से इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तैयार हो ना लड़ने के लिए। शुक्र छे व्याधि न। शुक्र है व्याधि न थी। 3 साल के अंदर 8 राज्यों में मैंने अपने 32 स्टोर्स खोले। शुक्र है व्याधि न थी। शुक्र है व्याधि न थी। ये है मेरा घर, इस घर में हम 9 लोग रहते हैं। इतनी दरिद्रता फिर भी इतनी उदारता। पैसों की कीमत ज्यादा है कि इंसान की। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश करें, लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा और दान से ही लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। शुक्र है व्याधि न थी। शुक्र है व्याधि न थी। शुक्र है व्याधि न थी।